आज के इस वीडियो में अगस्त 2018 में भरे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण फार्म के बारे में बताने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ हम बात करेंगे अगस्त 2018 में भरे जाने वाले सबसे खास पांच फार्म के बारे में। इस वीडियो में हम आपको पांच फार्म के बारे में बताएंगे जिनका आवेदन आप अगस्त 2018 में कर सकते हैं। इन पांच फार्मों को जोड़ने पर लगभग 62,000 पद आएंगे और सबसे खास बात कि इनमें जो भी वैकेंसी के बारे में बताया गया है ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसका मतलब कि आप इंडिया में कहीं से भी हैं आप इसका आवेदन कर पाएंगे। सभी फार्मों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन चेक करिए। हम आपके स्टेट के जीके के लिए वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है www.studyforjobs.in। तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे आके सीधे यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, मॉक टेस्ट, लेटेस्ट जॉब। तो आपको लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है। आप ज्यों ही लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो हम हर रोज़ जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, हर रोज़ की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी। हर रोज़ जितने भी जॉब वाली वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है सारा वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 5 जॉब के लिए जो कि अगस्त 2018 में भरे जाएंगे। तो इसमें से नंबर 5 पर है DRDO की भर्ती। इसमें आपको वेतन मिलेगा लगभग 50,000 रुपये और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 500 पद हैं और ये पद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 नंबर पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो नंबर 4 की वैकेंसी है जेल वार्डर के लिए और यहाँ पे कुल मिला के 670 पोस्ट है। ये भी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसका मतलब कि आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। हालांकि ये वैकेंसी आती है राजस्थान से, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त 2018। तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर 4 पे दिया गया है, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसका आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की वैकेंसी के लिए। तो नंबर 3 पर है राजस्थान से आने वाली वैकेंसी जो कि है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में और ये केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी लगभग 25,000 रुपये। सबसे खास बात कि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसका मतलब कि आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगभग 1085 पोस्ट है और ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। अब स्टेनोग्राफर के लिए आपकी एजुकेशन 12वीं के साथ आपको कंप्यूटर में ओ लेवल या फिर डोएक से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ आपको देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी कल्चर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर 3 पर मिल जाएगा। आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही इसका आवेदन करेंगे। नंबर 2 पर आने वाली वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश SSSC से ये वैकेंसी आती है और यहाँ पे कुल मिला के 2059 पोस्ट है। ये 2059 पोस्ट एग्रीकल्चर सर्विस टेक्निकल असिस्टेंट क्लास 3 के लिए है और इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसका लास्ट डेट है 23 अगस्त 2018। तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे मिल जाएगा। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही इसका नोटिफिकेशन पढ़िए और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही इसका आवेदन करेंगे। अब आती है नंबर 1 पे आने वाली वैकेंसी। तो नंबर 1 पे जो वैकेंसी आती है वो केवल 10वीं पास के कैंडिडेटों के लिए है और ये वैकेंसी है SSC GD में। आपको पता होगा कि यहाँ पर लगभग 55,000 से अधिक पोस्ट हैं और ये कांस्टेबल GD के लिए वैकेंसी है और इसके लिए आपको 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। ये फार्म को भी आप अगस्त में भर सकते हैं।
ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक नंबर 1 पे मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जिस फार्म का भी आवेदन करना है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप किसी भी फार्म का आवेदन नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।